ये कहानी एवेंजर्स फॉरएवर कॉमिक के इश्यू नंबर 6 की है। ये एक अलग ही ब्लैक पैंथर की कहानी है, ऐसा कुछ जो सबसे अलग है। कहानी की शुरुआत वकांडा से होती है, जहां हम देखते हैं कि किंग किलमोंगर सब पृथ्वी पे जा जाकर टचाला के हर वेरिएंट को मारते रहता है, भले ही वो कितना ही बड़ा या छोटा हो। और जब किलमोंगर इस वकांडा के सभी लोगों को मारते रहता है, तो उसी समय महाराज टचाका, जिसे ये हमले का पहले से एहसास होता है, अपने बेटे को जीवित रखने का तरकीब सोचे रहता है। वो अपने महारानी के साथ बच्चे टचाला को वहीं रखे एक स्पेसशिप से किसी दूसरी दुनिया भेजने का इंतजाम किए रहते हैं, ताकि वो कहीं और जाकर सुरक्षित अपनी ज़िंदगी जिए। और जैसे ही किलमोंगर उस जगह को बर्बाद करते रहता है, वहीं छोटा राजकुमार टचाला अपने स्पेसशिप से वहीं से कोसों दूर चला जाता है, और उसके पीछे उसका घर ग्रह पूरा बर्बाद हो जाता है। कुछ सालों बाद शयार की राजधानी चैंडलर में, जहां सिर्फ अमीरों को जमीन पर रहने की आज़ादी थी, बाकी सब अपना बसेरा खुले आसमान में बनाए हुए थे। जहाँ खाना तो छोड़ो, सांस लेने के लिए हवा भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। वहाँ ज़्यादातर परदेसी रहते थे, जो कि किंग किलमोंगर से बचकर भागे हो। और जब ऊपर ज़्यादा भीड़ बढ़ने लगी, तब वो रईस ज़्यादे अलग किस्म का बिजली का कुछ लगाएं कि अगर कोई ऊपर से नीचे गिरे तो वो नीचे के बदले डायरेक्ट ऊपर चला जाए। ऊपर किसी के बीच लड़ाई होती रहती है, जिसके बाद एक कठभोगना खिड़की तोड़ते नीचे गिरता है। वो ज़्यादा नीचे गिरता उससे पहले ही वो एक जाल में फंस जाता है, और फिर वो देखता है कि उसके सामने स्काई स्पाइडर रहता है। तब वो उसका शुक्रिया अदा करता है, जिस पर स्पाइडर उसे पूछता है कि उसे मारने की कोशिश किसने की। इस पर वो कठभोगना बताता है कि किलमोंगर के पालतू कुत्ते हैं, जो आखिरकार यहाँ भी पहुँच गए, और वो खुद को वॉर पैंथर बुलाते हैं। ये सुनते स्पाइडर तेजी से उन सब की तरफ जाते उस कठभोगने को बताता है कि पैंथर सब मारे गए, ये सब तो बस आतंकवादी हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पाइडर और कोई नहीं बल्कि वही बच्चा टचाला रहता है, जो अब बड़ा हो गया हो, और अपने स्पेसशिप से बचे हुए वाइब्रेनियम से अपने लिए अलग ही एक सूट बनाता है। ऊपर जाते ही स्पाइडर बलवंत राय के कुत्तों पर मालिक से कहो कि मैं आया हूँ, और फिर पूरे गुस्से में उन सब पे हमला करते, बता दो अपने मालिक से कि वकांडा का आखिरी बेटा यही है। टचाला को अकेले देख वो सब खुश होते हैं कि वो सब मिलकर तो उसे मार ही देंगे, लेकिन टचाला इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तुरंत ही उन सब के छक्के छुड़ा देता है। वो उन सबको मारते सोचते रहता है कि जहाँ जहाँ वो कमीना किलमोंगर जाता है वो सब बर्बाद कर देता है, पर अब नहीं। बचपन से वो इस दिन का इंतजार किया था, जब वो अपने माँ पापा के कातिल के सामने होगा और उसका बदला लेगा। इतने में ही वही एक बड़ा सा जहाज उड़ते हुए आता है, और उससे किलमोंगर अपनी शक्ति से नीचे आग फेंकता है, जिसे सब जलने लगते हैं। और जैसे ही वो पूरी जगह जलने लगता है, तभी टचाला का वो सूट उसके चारों तरफ फैल कर उसको अपने अंदर ढक लेता है, ताकि उसे कुछ ना हो, वो सुरक्षित रहे। और उसी वक्त वो ग्रह भी बर्बाद हो जाता है, और किलमोंगर अपने जहाज से दूसरी दुनिया खत्म करने चला जाता है। उसके बहुत दिनों बाद हम देखते हैं कि टचाला जीवित रहता है। जो पहले अच्छा खासा ग्रह था, वहाँ अब बस टूटे फूटे जहाज बचे हुए थे, और उन्हीं सब जहाज़ों से टचाला वाइब्रेनियम ढूंढता है और फिर अपना सूट में बदलाव करता है। वो वहीं एक टूटे फूटे जहाज से अपने सूट में लगे एआई से बात करते रहता है कि अगर आज वो ये छलांग नहीं लगाया तो बहुत देर हो जाएगी। जिस जहाज में वो रह रहा होता है वहाँ का ऑक्सीजन वैसे भी खत्म हो रहा है, तो दूसरा ठिकाना जल्दी ही ढूंढना होगा। इस पर उसका एआई उसे सुझाव देता है कि उसके सूट में इतना लंबा छलांग लगाने की शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी टचाला वो छलांग लगाता है। दूसरे जहाज के अंदर जाते ही वो देखता है कि वहाँ सब मरे पड़े हैं, हालांकि उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस कुछ दिनों के लिए अपना ठिकाना मिल गया था। और वहीं से वो किलमोंगर की तलाश जारी रखता है। ढूंढते ढूंढते वो एक अलग जहाज में जाता है, जहाँ किलमोंगर के पालतू कुत्ते अपने आखिरी सांसें लेते रहते हैं, और वहीं वो बड़बड़ाते रहता है कि सब तो वैसे मारे गए हैं और वो भी मारा जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ कम है। पता नहीं उसके सर्वशक्तिमान भगवान उसे अकेला क्यों छोड़ दिए। और फिर जब टचाला उसके पास जाता है, तब वो उसे विनती करता है कि उसे वहाँ अकेला ना छोड़े। इस पर टचाला पूरे गुस्से से उसका कॉलर पकड़े, हाँ बलवंत राय के कुत्ते, कसम से तुझे यहाँ तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और फिर वो उसे पकड़े वहाँ से उड़ जाता है। वो बेचारा पीछे चिल्लाते रहता है कि वो सांस नहीं ले पा रहा, लेकिन टचाला के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। फिर से कई दिनों बाद टचाला एक जहाज के सामने एक पत्थर पर खड़ा अपने सूट को उस जहाज का स्कैन करने बोलता है। इस पर उसका सूट बताता है कि किलमोंगर उसी जहाज के अंदर है, और फिर बताता है कि सूट पूरा सही से काम कर रहा है। तब टचाला बताता है कि वो इस दिन का बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहा था, अगर आज वो ये मौका खो देता है तो पता नहीं दोबारा उसे मौका मिले भी या ना। ये सुनते उसके सूट का एआई बताता है कि वो डोरा मिलांजी प्रोग्राम है, जिसे टचाला खुद अपने सूट में मदद के लिए लगाया है, और अगर वो हारता है तो उसकी भी हार होगी, तो वो हार नहीं सकता। इतने में टचाला वहाँ का दीवार तोड़ते अंदर जाते चिल्लाते, किलमोंगर, मैं राजकुमार टचाला आखिरी वकांडन, तुझे तेरी औकात दिखाने आया हूँ।
किलमोंगर जो वही सामने महाराजा की तरफ बैठा रहता है वो टचाला को देखते, आ मेरे बच्चे मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था, और फिर वो अपने चेहरे का मास्क हटाते, चलो देखते हैं कि तुम क्या चीज हो, और फिर दोनों में लड़ाई होती है। लड़ते लड़ते किलमोंगर टचाला को उकसाते, आए क्या बवासीर लाए हो, किसी कबाड़ खाने से बनाए हो क्या? टचाला पूरे गुस्से में उसे मारते, बताता कि वो ये कब्र में बनाया है, ऐसा कब्र जहाँ लाखों करोड़ों लोगों की लाश उसने बिछाई हो। किलमोंगर उसे मारते उसे बताता है कि उसे भी वहीं रहना चाहिए, और फिर अपना मास्क हटाता है जिससे आग निकलते रहता है, और फिर उसी आग से उस पर हमला करते, कतई चूतिया हो तुम, कवारी से बने सूट से हमसे लड़ने आ गए। उसके हमले से बचते टचाला बताता है कि उसका इस सूट के साथ साथ सब वकांडा वासी का आशीर्वाद है उसके साथ, वो ऐसे ही नहीं हार सकता, वकांडा की जय। किलमोंगर अपनी शक्ति से वह कुछ हथियार बनाते, बताता है कि उसका एक कवच डिस्ट्रॉयर आर्मर जिसे खुद भगवान ने बनाया है, वही भगवान जिसे वो अपने कुल्हाड़ी से मार दिया, और तब वही अपने हाथ में कुल्हाड़ी लाते और उस कुल्हाड़ी से टचाला पे हमला करते, क्या ये दो गौरी का टोनी स्टार्क बना हुआ है तू, अगली बार अगर मिले तो कुछ नया ओरिजिनल ट्राई करना, और फिर अपनी पूरी शक्ति से वो टचाला को वहीं से बाहर फेंकते, वकांडा गया हारने। टचाला में चिल्लाते सूरज में गिरते रहता है, उसे लगता है कि अब उसका भी वक्त आ गया है अपने पूर्वजों से मिलने का। 3 दिनों बाद वही ऑल राइडर की गाड़ी आती है जिसमें डेथलॉक, एंटमैन, टोनी स्टार्क और ऑल राइडर रहते हैं। स्टार्क बताता है कि वो यहीं है, इस पर डेथलॉक उसे बताता है कि अगर वो यहाँ है तब तो उसका राम नाम सत्य हो चुका है। इस पर स्टार्क खुद की तारीफ करते बताता है कि वो सबसे स्मार्ट बंदा है और वही वो मशीन बनाया जिससे उसे पता है कि वो जिंदा है और वो यहीं है। ये सुनते रॉबी अपनी गाड़ी वहीं सूरज में ले चला जाता है, और फिर उसी से निकलते उसके साथ साथ एक वाइब्रेनियम का डब्बा जैसा उससे लगा निकलता है, जिसे देख वो लोग आपस में बात करते रहते हैं कि इस डब्बे को बाहर से नहीं तोड़ा जा सकता, पता नहीं अंदर उसके साथ क्या हुआ हो। और उतने में ही उस डब्बे से एक हाथ बाहर आता है, और उसके बाद वही टचाला पूरे अलग ही रंग रूप में बाहर आता है। वो सोचता है कि अब तक वो कुछ नहीं कर पाया, पर अब उसके पास ये अजीब सी शक्ति है, तो अब उसके क्या कर लेगा ये स्टार पैंथर। उसके बाद वो मल्टीवर्सल मास्टर्स ऑफ एविल के साथ हो रही लड़ाई में एवेंजर्स का साथ देता है और सब दुश्मनों के छक्के छुड़ाता है, लेकिन अफसोस वो किलमोंगर से अपना बदला नहीं ले पाता। कहानी खत्म। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।